अच्छा जी, अभी तक के जो दो लेक्चर्स हम लोगों ने FIR फिल्टर्स पे पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि फिल्टर्स की कौन सी चार टाइप्स हो सकती हैं जिसकी जिसको फॉलो करते हुए FIR फिल्टर्स का जो फेज होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो सिमेट्री या एंटी सिमेट्री कंडीशंस एक FIR फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉलो नहीं करेगा तो वो फिल्टरिंग एक्शन तो शायद फिर भी कर ले जिसके लिए उसको डिजाइन किया जाएगा, लेकिन उसका फेज लीनियर नहीं होगा, ठीक है। FIR फिल्टर जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कंडीशंस ही फुलफिल करे, हम उसको विदाउट सिमेट्रिक कंडीशंस भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका फेज लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम FIR फिल्टर्स को तो इस्तेमाल ही उनके लीनियर फेज की वजह से करते हैं। अच्छा, तो ओके, अब आज का जो लेक्चर होगा जो कि इंशाल्लाह आपकी DSP का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोगों ने FIR फिल्टर डिजाइनिंग सीखनी है, और जो तरीका हम सीखेंगे फिल्टर डिजाइनिंग का, दैट इज बाय विंडोइंग टेक्निक या विंडो बेसमेंट। आप लोगों ने विंडोज को थोड़ा बहुत इस्तेमाल अपनी DSP लैब में किया हुआ, तो एटलीस्ट इनके जो नाम है या जो बहुत कुछ मशहूर विंडोज उनके जो नाम है वो आपके लिए फेमिलियर होंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि विंडोज का कॉन्सेप्ट क्या है। एक अगर मैं आइडियल लो पास फिल्टर की बात करूं, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होना चाहिए, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ इस तरह से होगा कि वो एक खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, इसको ओमेगा नॉट या यूजुअली ओमेगा सी भी कहा जाता है, और ओमेगा सी से लेकर पाई तक की फ्रीक्वेंसीज को कंप्लीटली ब्लॉक करे, ठीक है। एक आइडियल लो पास फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होता है, और अगर हम इसको प्रिंसिपल रेंज में प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ये कंप्लीट एक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा प्रिंसिपल रेंज में अगर हम देखें। अच्छा, इसको हम आइडियल या डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में डी ऐड किया। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू राइट कि इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है इट शुड बी इक्वल टू 1 व्हेनेवर ओमेगा सी का एब्सोल्यूट इज लेसर देन पाई एंड इट शुड बी 0 अदरवाइज, ठीक है। अब हम देखना ही चाहते हैं कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की टर्म में तो हमें पता है कि हमारा जो फिल्टर है उसका उसको उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन हमने जो कि सिस्टम को डिजाइन टाइम डोमेन में करना होता है तो इसलिए हम ये देखना चाहेंगे कि इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। हमने टाइम डोमेन में उसे किस तरह का डिजाइन करना है सो दैट वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह का रिस्पॉन्स एग्जिबिट करे, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को जो है इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा ताकि हम टाइम डोमेन इंफॉर्मेशन ले सकें। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली उसका रिजल्ट ही लिखूंगी। तो इनवर्स DTFT अप्लाई अगर करें विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन इसका सलूशन निकलता है। अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल है इसका आंसर लिखने से पहले कि शायद आप लोगों ने ऐसे भी थोड़ा सा पढ़ा हो कि रेक्टेंगुलर सी शक्ल है सिग्नल की, तो जब रेक्टेंगुलर सिग्नल हो एक डोमेन में तो दूसरी डोमेन में उसका किस तरह का रिजल्ट निकलता है? मैम, सिंक। सिंक, बिल्कुल ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास साइन एन ओमेगा सी अपॉन एन पाई
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये भी याद होगा कि जब हम सिंक को प्लॉट करते हैं कंटिन्यूस टाइम में, तो अगर हम टी इक्वल टू जीरो की बात करें तो ये फंक्शन जीरो बाय जीरो हो जाता है ना, क्योंकि इसका साइन जीरो जीरो होता है और टी जो है, या क्योंकि मैं कंटिन्यूस टाइम की बात कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी टी अपीयर होता है, तो जीरो बाय जीरो का सिग्नल आ जाता है, तो उसको फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के t is equal to zero के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब डिस्क्रीट टाइम में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई तो नहीं होता, लेकिन हम उसी इंफरेंस को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, एन इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स है, इट वुड बी इक्वल टू ओमेगा सी बाय पाई एट एन इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज whenever n won't be equal to zero, हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, और अगले स्टेप में अगर मैं इस इंपल्स रिस्पॉन्स को प्लॉट करके देखना चाहूँ कि मेरे पास ये फंक्शन कैसा आता है, तो इट वुड बी लाइक ये मेरा हाल है जो मेरे पास इस वक्त फंक्शन प्लॉटेड है ना, ये ओमेगा सी इज इक्वल टू पाई बाय फोर के ऊपर शायद प्लॉट करके इस तरह का मिलता है, जिसके कुछ सैंपल्स मैं आपके सामने बना रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देख के हमें जो दो बातें फौरन पता लग रही हैं वो ये हैं कि एक तो ये सिग्नल इनफिनिट ड्यूरेशन का है, ठीक है, इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, और दूसरा मसला इसमें ये है कि ये नॉन कॉजल भी है, तो इस तरह का सिग्नल या इस तरह का सिस्टम, इस तरह के इंपल्स रिस्पॉन्स वाला सिस्टम एक्चुअली डिवेलप करना इज इम्पॉसिबल, कि इसमें एक तो उसमें इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स हो, ठीक है, मतलब आपको एक इनफिनिट मेमोरी का सिस्टम चाहिए ताकि हम उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकें, और दूसरा उसका नॉन कॉजल होना ही उसको इम्प्रैक्टिकल बना देता है डिवेलप करने के लिए। तो फिर अब इसका हल क्या करें, मतलब इसके जो दो मसले हैं, इसका नॉन कॉजल होना और इसका इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स होना, इन दोनों मसलों को हमने हल करना है, ठीक है। तो मसलन इसका तरीका फिर ये होता है कि हम कुछ फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, यानी कि एच डी एन को एक विंडो से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा चलो, मैं ये इस तरह से नहीं लिखती, इसमें मतलब आप समझ लो कि कुछ एम नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जब m नंबर ऑफ सैंपल और बाकी ये जो है ना सारे का सारा वो जीरो होगा जो हमारा फंक्शन है विच वी कॉल विंडो फंक्शन, तो हम जब इस फंक्शन को इस एच डी एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट आवर एक्चुअल फिल्टर जिसमें फिर फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं। अच्छा, अब एक बात थोड़ी सी इसमें समझना जरूरी है कि इस विंडो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विंडो को कुछ इस तरह से सेट करूं कि मेरे पास ये वाला मतलब जो डिजायर्ड रिस्पांस है वो इस तरह से रह जाए, मतलब डिजायर्ड रिस्पांस विंडो से मल्टीप्लाई होके एच ऑफ एन मुझे कुछ इस तरह का दे, ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ सैंपल्स कंसीडर कर लिए। अच्छा, तो क्या मतलब इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन के बाद, डिजायर्ड रिस्पांस की और विंडो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मुझे एच ऑफ एन मिल रहा है, क्या ये एच ऑफ एन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है?
यस मैम। अच्छा, और उसकी वजह क्या है? मैम फिनाइट हो गया है। फाइनाइट हो गया, यस। लेकिन इसमें एक मसला भी है। मैम कॉज वो है, कॉजल नहीं, इट इज नॉन स्टिल कॉजल है। नॉन कॉजल। इट इज स्टिल नॉन कॉजल, दिस कहता है कि मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, फिनिट ड्यूरेशन तो इसकी है, लेकिन सिग्नल अभी तक नॉन कॉजल है, तो इसलिए हमारे लिए सॉल्यूशन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। वी नीड टू लुक फॉर अनदर सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक और तरीका हो सकता है कि विंडो फंक्शन को हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि ये हमें फिल्टर मतलब इस तरह से मिल जाए। अभी मसला हमारा हल होता है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मसला जो है वो हमारा, इसमें क्या क्या मसाइल हमारे हल हुए हैं? इसमें फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं एंड इट इज कॉजल, लेकिन अब इसमें एक मसला आ गया। क्या मसला है वो, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? मैम ये फिर 0 से 2 पाई तक की में शिफ्ट। अच्छा हो एक जाएगा मिनट, सॉरी, जो 2 पाई वाला सिलसिला है ना, वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में होता है। ठीक है, ये 0 से किसी पर्टिकुलर सैंपल, हम उसको कह देते हैं एम माइनस वन, क्योंकि हम लोगों ने कहा ना कि विंडो की लेंथ जो है वो एम एम सैंपल्स है। ठीक है, तो और अज्यूमिंग के एम जो है वो मतलब हम लोगों ने उसको कुछ इस तरह से सेट किया कि यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ एम सैंपल्स है और यहाँ पे भी जो सैंपल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि टोटल एम में एम सैंपल्स ही मिल रहे हैं। तो जो 2 पाई वाली बात आप कर रहे हो ना, वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में होती है। ठीक है, ये हम टाइम देखते हैं। दोबारा बोलिए मैम। सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक नहीं रहा, बिल्कुल। ये हो सकता है कि अगेन ये विंडोइंग मतलब फिल्टरिंग फंक्शन अभी भी परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं रहा। अगर आप इसकी जो सिंक की शक्ल बनती है ना वो देखो, तो वो कुछ हमारे पास इस तरह से बन रही है। ठीक है, मतलब यहाँ तक, और दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक सिग्नल। तो अगर ये सिमेट्री एग्जिबिट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये फेज में भी लीनियरिटी इसकी खत्म हो चुकी है, तो फिर हमें एफ आई आर फिल्टर यूज करने का फायदा नहीं रहा ना कुछ। तो ये फिनिट है, कॉजल है, लेकिन चूंकि एंटी सिमेट्रिक है, सॉरी, इसमें नॉन सिमेट्रिक है ये, तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक और सोल्यूशन फिर हमारे पास आता है, वो ये है कि सिग्नल को पहले हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एच डी एन माइनस एम बाई टू, बल्कि एम माइनस वन बाई टू, बिकॉज हम इसमें हमेशा टाइप वन फिल्टर लेंगे विच इज ऑड इन लेंथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं विंडो फंक्शन के साथ, और फिर हमारे पास हमारा एक्चुअल रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली बात कि इसमें m जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये जो विंडो फंक्शन है ये हमने किस तरह का लेना है, ये फिर आगे जो है ना यहाँ से आगे डिजाइनिंग शुरू होती है। यहाँ तक अभी हम लोगों ने ये तमहीद बांधी है कि विंडो फंक्शन हम इस्तेमाल करते क्यों है। ठीक है, और डिजायर्ड फंक्शन में एक क्या छोटा सा हमें चेंज लाना पड़ता है, ताकि उसके बाद फिर हम जब उसे विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो ऑब्टेन्ड सिस्टम है वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हो। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ना, जो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे टाइम डोमेन में लिखी है, टाइम डोमेन में इसमें कहीं कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब विंडो फंक्शन का और आइडियल रिस्पॉन्स का? अच्छा,
अगर मैं कहूँ मल्टीप्लीकेशन तो क्या एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए? Yes, ma'am. मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है? अच्छा ओके, अगर हम ये सेट कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन है, तो जो इनके रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स होंगे, मतलब एच टी ओमेगा और डब्ल्यू ओमेगा, उनके दरमियान क्या ऑपरेशन हो रहा होगा? कन्वॉल्यूशन जी मैम, कन्वॉल्व हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अब देखो, इस कॉन्वोल्यूशन की वजह से हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आता है। एच टी ओमेगा तो हमें पता है कि वो कुछ इस तरह का सिग्नल है जो डिजायर्ड या फिर आइडियल रिस्पांस है माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक, ठीक है? अगर मैं बात करूं, अच्छा अब विंडो फंक्शन जो हम लोगों ने फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे एक एम नंबर ऑफ सैंपल्स का फंक्शन है, फिलहाल हम एक रेक्टेंगुलर विंडो अज्यूम करते हैं, और रेक्टेंगुलर विंडो जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू वन फॉर जीरो लेसर देन एम माइनस वन एंड इट इज जीरो अदरवाइज, ठीक है? तो ये एक बड़ा बेसिक किस्म का या सिंपल किस्म का विंडो फंक्शन है जिसमें जीरो से लेकर एम माइनस वन तक जितने भी सैंपल्स मौजूद हैं उन सब का एम्पलीट्यूड जो है वो वन है। अच्छा अगर हम इस तरह के फंक्शन का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल देखें, तो मेरा अंदाज़ा है कि आप बहुत आराम से ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हो कि इस तरह के सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन होगा वो एक सिंक फंक्शन होगा। यस Yes, वो माइनस पाई से पाई तक उसने कंटिन्यूस रहना है। With infinite number of ripples. ठीक हो गया। अच्छा ये हमारे पास एच टी ओमेगा आ गया, ये हमारे पास डब्ल्यू ऑफ ओमेगा है, और इनके दरमियान अगर हम कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस करें और मैं रिजल्टेंट सिग्नल को अगर इस पे बनाऊ, मतलब हाफ प्रिंसिपल रेंज पे बनाऊ, तो होता यूं है कि इनकी कन्वोल्यूशन से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये पाई मैम एचडी ओमेगा और ये विंडो वाले के जी, ये एचडी ओमेगा डिजायर्ड फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, ये जो आपके पास डब्ल्यू ओमेगा लिखा हुआ है ये विंडो फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। विंडो फंक्शन यानी कि रेक्टेंगुलर फंक्शन जो मैंने यहाँ पर प्लॉट भी किया हुआ है, ठीक है? ये मतलब टाइम डोमेन सिग्नल है और ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, और इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हम क्यों बेसिकली आइडियल फिल्टर का रिस्पांस डेवलप नहीं कर सकते या बना नहीं सकते, हमारे पास फिल्टर जो होता है वो इस तरह का क्यों आता है। मतलब हर डिजाइनिंग प्रोसीजर की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन हम जब विंडो बेस्ड डिजाइन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एटलीस्ट इस तरह का रिस्पॉन्स मिलने की ये वजह है जो मैंने आपके सामने अभी बनाई है। अच्छा लेकिन चूंकि आपने हमेशा मतलब मैटलैब में विंडोज देखी हैं तो आप हमेशा उनका मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखते हो, तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस में मतलब इस एच ओमेगा में और इस एच ओमेगा में डिफरेंस है, ठीक है? अगर हमारे पास जो यहाँ पे रिपल्स हैं उसको हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह की जो चीज़ है ना वो कुछ ऐसी आती है, ठीक है? अच्छा अब इसके इसमें थोड़ी बहुत चीजें जो है हमारे पास देखने वाली वो ये कि ओमेगा सी को हम मतलब यहाँ पे ओमेगा सी ओमेगा नॉट इससे कहते हैं। पहली दफा
जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्रॉस करता है 3 dB पॉइंट को, सॉरी आखिरी दफा कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये 2-3 दफा 3 dB तक पहुंचेगा, लेकिन जब सिग्नल का मैग्नीट्यूड आखिरी दफा 3 dB को पहुंचेगा तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा पी बोलते हैं या पास बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से जब सिग्नल का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होता होता पहली बार एक खास एम्पलीट्यूड डेल्टा को पहुंचेगा। ठीक है, अब डेल्टा वो क्या एम्पलीट्यूड है, इस सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जीरो से लेकर ओमेगा पी तक हमारे पास पास बैंड होता है, पास बैंड, और ओमेगा एस से लेकर पाई तक हमारे पास स्टॉप बैंड होता है। ठीक है, और ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इट इज यूजली कॉल्ड द ट्रांजिशन बैंडविड्थ, ट्रांजिशन बैंड या ट्रांजिशन बैंडविड्थ। ठीक है, और ये जो मैंने आपके सामने ओमेगा सी लिखा, इसका जो रिलेशनशिप है ओमेगा एस कैसे में प्लस आएगा, तो मुझे टू इसको निकालना है, तो सी अच्छा जी, और इसके अलावा इसमें अच्छा ओके, हम जब फिल्टर्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम ये जो विड्थ है ना ट्रांजिशन बैंडविड्थ, ये हम इतनी ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन ये जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ है ये भी अगेन विंडो फंक्शन पर डिपेंड करती है। अब ये विंडो का कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से हमें ट्रांजिशन बैंडविड्थ की जो विड्थ है वो डिसाइड होती है, वो इस विंडो फंक्शन की जो मेन लोब है उसकी विड्थ। तो ये विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी यहाँ पे हमें ट्रांजिशन बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से इस विड्थ को हम जब रिड्यूस करते जाएंगे तो हमारे पास ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर विंडो है ना, रेक्टेंगुलर विंडो कम्स अप विद मिनिमम पॉसिबल मेन लोब विड्थ। ठीक है, तो हम जब रेक्टेंगुलर विंडो जब भी यूज करना चाहते हैं उसकी सिंपलिसिटी के अलावा एक वजह ये होती है कि उसकी मेन लोब विड्थ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो है वो हमें कम मिलती है। लेकिन रेक्टेंगुलर विंडो में एक मसला ये है कि इसके जो साइड लोब्स हैं उनकी उनकी हाइट खासी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी मैंने एक मतलब हो सकता है डायग्राम आपको नजर ना आ रहा हो, आप अपनी पॉकेट की बुक का पेज नंबर 670 ठीक है, पेज नंबर 670 देखना, वहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनेंगी जहाँ पे उसने एक ही मतलब एम को कांस्टेंट रखते हुए मुख्तलिफ विंडोज बनाएंगे, जिसमें आपको पता ये चलेगा कि रेक्टेंगुलर विंडो कम्स अप विद मिनिमम पॉसिबल मेन लोब विड्थ, लेकिन उसकी जो साइड बैंड की हाइट है वो खासी ज्यादा है। तो हम फिर कुछ और विंडोज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो ब्लैकमैन विंडो है या फिर हेमिंग विंडो है, इनकी साइड बैंड की हाइट हंसी कम है लेकिन फिर इनकी जो मेन लोब विड्थ है ना वो थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। जब वो इंक्रीज कर जाती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फिर ट्रांजिशन बैंडविड्थ भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रपोजल इन कौन से मुख्तलिफ विंडोज को यूज करने के लिए कि फिर हम कौन सी विंडो को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहेंगे, जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए ट्रांजिशन बैंडविड्थ इम्पोर्टेंट है या साइड लोब्स की हाइट को कम करना इम्पोर्टेंट है, तो फिर उस लिहाज से हम विंडोज को चूज करते हैं। ठीक हो गया, और एक बात इसमें और है कि आपने लैब में कंसल्ट किया होगा कि लेकिन यूजुअली हमें विंडोज जो है ना उसमें कुछ एक टेबल हमारे पास अवेलेबल होता है, आपकी बुक में ये टेबल इज गिवन ऑन पेज नंबर 668। ठीक है, पेज नंबर 668 में एक टेबल है, टेबल का नंबर है 10.2। ठीक है, उसमें यूजुअली हमारे पास यहाँ पे मतलब विंडोज के नाम होते हैं और उसके अलावा उनकी अप्रोक्सीमेटेड
मेन लोब विड्थ, ठीक है, और उसके अलावा उनका फिर पीक साइड लोब, मतलब साइड लोब अटेन्यूएशन अगर आप कह लें तो वो भी ठीक है, या फिर पीक साइड लोब डीबीज में ये यूजुअली होती है, ठीक हो गया। तो फिर उसके लिहाज से हम हमें पीक साइड लोब कितनी चाहिए या फिर हमें मेन लोब विड्थ कितनी चाहिए, उस लिहाज से फिर हम जो है यहाँ पे विंडो को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा ओके, यहाँ से आगे चूंकि मैं अब जाऊंगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर, एक बात मैं बताना चाहूंगी क्योंकि जो मेन लोब विड्थ है ना बेसिकली इसका ताल्लुक एम के साथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेक्टेंगुलर विंडो की बात करें तो इसमें जो मेन लोब विड्थ है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको किसी ट्रांसपेरेंसी में कहा था कि ओके हाँ ये कि अब कि एम कैसे डिसाइड होगा या फिर विंडो कैसे डिसाइड होगी वो फिर आगे हमारे सिस्टम के रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पता कि विंडो हम यूजुअली डिसाइड करते हैं कि इन इन दो क्राइटेरियाज को देखते हुए और फिर वहां से ऑनवर्ड्स मतलब जो मेन लोब विड्थ है उसके ऊपर हमारे चूंकि एम की डिपेंडेंसी तो वहां से हमें फिल्टर की लेंथ मिलती है, ठीक है। अच्छा यहाँ से आगे जाने से पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैम ये जो मेन लोब है ये जो सबसे बड़ा लोब है उसका है ना? जी जी सेंटर में जो है जीरो के एडजेंट ये, तो मैंने ये रेक्टेंगुलर विंडो का सिंक फंक्शन बनाया था ना, तो जो बिल्कुल इसकी जो मतलब जीरो के इर्द गिर्द जो एक बनती है ना हाफ साइन वेव कह लें या उसको जो भी आप नाम देना चाहें उसकी, यानी कि जो जीरो क्रॉसिंग है ना उसके दरमियान जो भी विड्थ होगी बैंड विड्थ, ठीक है ठीक है जी। जैसे अब रेक्टेंगुलर विंडो की ही अगर हम बात करें तो इसकी जो यहाँ पे वाली जीरो क्रॉसिंग है ये 2 पाई बाय एम पे है और जो ये वाली जीरो क्रॉसिंग होती है ये 2 पाई बाय एम पे होती है। तो आई होप इट्स नॉट वेरी मेसी, ठीक है। ये पहली वाली जीरो क्रॉसिंग है माइनस 2 पाई बाय एम पे और ये जो ये वाली जीरो क्रॉसिंग है यानी कि जीरो के बाद जीरो क्रॉस करने के बाद जो पहली जीरो क्रॉसिंग आ रही है इट इज एट 2 पाई बाय एम, तो जो विड्थ हो गई हमारे पास वो 4 पाई बाय एम हो गई फिर। हाँ जी और कोई सवाल है? एक छोटी सी बात ये कि हम लोगों ने अभी तक जो जैसे डिजाइनिंग को पढ़ा तो मैंने लो पास फिल्टर के लिहाज से आपको थोड़ा सा बताया, तो लो पास फिल्टर का तो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया कि क्या आता है, लेकिन अगर हमें एक हाई पास फिल्टर बनाना होगा तो उससे हमारे पास जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स होगा मतलब डिजायर्ड रिस्पॉन्स फॉर अ हाई पास फिल्टर डिफाइन होगा इस तरह से, और इसी तरह से हमारे पास बैंड पास से भी और बैंड स्टॉप की भी अपने अपने इंपल्स रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो हमें फिर जिस तरह का फिल्टर चाहिए होगा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी कि फलाना फलाना फिल्टर डिजाइन करें फिर हम उस लिहाज से वाला इंपल्स रिस्पॉन्स चूज करते हैं। तो ये मतलब ये भी मैं इंशाल्लाह जो है ना अपलोड कर दूंगी टीम्स के ऊपर ताकि फिर आपके पास ये चारों फॉर्मूलाज जो है अवेलेबल हों। अच्छा ओके फिर हम आगे सवाल शुरू करते हैं अगर आप लोगों का कोई और क्वेरी नहीं है तो, नहीं तो फिर आप बीच में पूछ भी सकते हो। अच्छा जी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एक लो पास फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है, सच दैट कि हम उसकी पास बैंड फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं 0.4 पाए
और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड है 0.65, और जो स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन है वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन 50 dB. ठीक है, यानी कि हमें कैसे विंडो चाहिए जो स्टॉप बैंड को या ओमेगा एस एक दफा पास हो जाए तो ओमेगा एस की बात की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको 50 dB से ज्यादा अटेन्यूएट करें. ठीक है, अच्छा तो पहले जो इसका स्टेप होगा वो तो विंडो सिलेक्शन का होगा ना. ठीक है, अब विंडो सिलेक्शन में अगर हम देखें ना, अगेन अगर आप पेज नंबर 670 पे देखो, पेज 668 में जहां पे टेबल 10.2 है, तो उसमें अच्छा ओके, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट. मैं इसको फिर ना 50 की बजाय 40 कर रही हूँ ताकि, क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज है. अच्छा ओके, तो अगर मैं 40 dB ज्यादा अटेन्यूएट करना चाह रही हूँ तो मुझे इस वक्त जो विंडोज नजर आ रही है ना वो एक है हैमिंग विंडो जो कि अटेन्यूएशन कर रही है -41 dB तक, और फिर है एक ब्लैकमैन विंडो जो कि अटेन्यूएशन कर रही है -57 dB. अच्छा, अब ये दोनों विंडोज हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, ये क्राइटेरिया दोनों फुलफिल कर रही हैं. ठीक है, लेकिन हम इसमें से, आपके सामने टेबल नहीं है असल में, नहीं तो फिर हम इस चीज को थोड़ा देख लेते, मतलब आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ आता. हम चूज इसमें से हैमिंग विंडो करेंगे. उसकी वजह यह है कि अगर आप उसी टेबल को एक दफा दोबारा से देखो तो जो हैमिंग विंडो की मेन लोब विड्थ है ना, दैट इज 8 πm, और जो ब्लैकमैन विंडो की मेन लोब विड्थ है दैट इज 12 πm. तो जब हमारा क्राइटेरिया हैमिंग विंडो कम विड्थ के साथ कर रही है तो व्हाई शुड वी गो फॉर अनदर विंडो जो कि बेसिकली इसको ओवरडू कर रही है और साथ ही साथ मेन लोब की विड्थ को भी इंक्रीज कर रही है. तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाली ट्रांजिशन बैंडविड्थ एक्वायर करने के लिए फिर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एम चाहिए होगा. ठीक है, बात समझ आ रही है? यस मैम, यस मैम. अच्छा जी, ओके. तो हम लोगों ने अपना स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन का क्राइटेरिया देखते हुए हैमिंग विंडो को सेलेक्ट कर लिया. अच्छा जी, अब इन विंडोज के प्रॉब्ली क्वेश्चंस आपके पास होंगी, नेवरदलेस इसको मैं इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगी, लेकिन ये इंटरनेट पर बड़े आराम से मिल भी सकती है. अच्छा, अब दूसरा जो फिर इसमें चीज आती है वो है विंडो की लेंथ, या फिर अब एम हम लोगों ने फाइंड करना है. ठीक है, और इसमें जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो मेन लोब की विड्थ है वो बेसिकली उसकी ट्रांजिशन बैंडविड्थ को डिफाइन करती है, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी जो कि ट्रांजिशन बैंडविड्थ है इट वुड बी इक्वल टू 8 πm. ठीक है, मेन लोब की विड्थ और ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 0.6 π - 0.4 π = 8 πm, एंड m, अच्छा बल्कि आप बताइए कि m क्या आएगा. मैम 8 πm = 0.2 डिवाइड हो जाएगा, और पाई पाई कैंसिल होने के बाद 8 को आपने 0.2 से डिवाइड करना है और आपको मिलेगा 40. अच्छा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम जो विंडोज बेस्ड मेथड्स पढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों ने पिछले टाइप 1 फिल्टर इस्तेमाल करना होता है. तो व्हेनेवर यू वुड गेट एन इवन लेंथ फिल्टर, आप उसमें एक इंक्रीज कर दोगे तो आप जो एम यूज करोगे दैट वुड बी 41 टू डिजाइन अ टाइप 1 फिल्टर. मतलब हम एक लोअर पे नहीं जाएंगे, हम 39 यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा. वी वुड गो फॉर वन, मतलब एक सैंपल की इंक्रीमेंट के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे. मैम अगर ऑड है तो तब भी उसको फिर इवन ही, अगर ऑड नहीं तो हम लोग ऑड वाले को देखते हैं, फिर तो ऑड को देखना है. हाँ जी, फिर इवन तो नहीं बनाना ना क्योंकि हम टाइप 1 फिल्टर यूज कर रहे हैं. तो मैम डिजाइनिंग के लिए सिर्फ टाइप 1 ही यूज कर सकते हैं?
विंडोज के लिए हम टाइप वन ही यूज करते हैं, बट डज विंडोज बेस मेथड का क्या हम ओके लेट मी सी लेट मी से कि विंडोज बेस मेथड की लिमिटेशन ये है. ठीक है ठीक है. और अगेन जैसे कि मैंने आपको शायद एक कल या परसों बताया था कि अब हमारे थोड़ी सी लिमिटेशन टाइम की भी है, अब हम और डिजाइनिंग सीख नहीं सकते, तो जो ये ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, थोड़ी जिसे कहते हैं वाइडली यूज है, और इसके फिल्टर सारे इम्प्लीमेंटेड है मैटलैब में, तो इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान है, तो फिर हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में सीख लेते हैं. तो ओके हमारे पास एम कम्स आउट टू बी 40, लेकिन द एम वी विल यूज इज 41. ठीक है, तो हमारे पास विंडो टाइप डिसाइड होगी और यहाँ पर लेंथ डिसाइड होगी. और अब हम लोगों जरा डिजायर्ड फिल्टर को देख लें, बिकॉज इट इज अ लो पास फिल्टर, तो जो हमने इस्तेमाल करना है इंपल्स रिस्पॉन्स, वी ऑलरेडी नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी. तो हमारे पास ये उसकी क्वेश्चन है. ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा सी इनके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इट विल बी गिवन या कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन जो कि 0.5 पाई आएगी. और एच डी एन को हम लिख सकते हैं 0.5 पाई अपॉन पाई साइन एन 0.5 पाई और एन 0.5 पाई. और फाइनली हमारा जो डिजाइंड या ऑब्टेन्ड रिस्पॉन्स है ओके अच्छा मैं इसको थोड़ा कैंसिलर करूं ताकि एच डी एन अब मुझे शिफ्ट करना है. ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. शिफ्ट कितना डालना है, एनी आइडियाज? टोटल मेरे पास 41 सैंपल्स हैं, कितना शिफ्ट डलेगा? मैम शिफ्ट का आपने बताया था m माइनस 1 ओवर 2, तो 20 बिल्कुल ठीक है. तो जहां जहां पे अब मुझे n नजर आ रहा है ना, मैंने वहां पे शिफ्ट डालना है डिजायर्ड फिल्टर के रिस्पॉन्स में. तो n माइनस 20 यहाँ पे आ गया और साइन 0.55 n माइनस 20 मेरे पास यहाँ पे आ गया. ठीक है, अच्छा आगे अब सपोजिटली ना विंडो फंक्शन की इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि हैमिंग विंडो है, मैं उसकी इक्वेशन लिख देती हूँ. लेकिन सो दैट यू मे नो के मतलब m की उस पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने चूज किया उसके साथ इक्वेशन आएगी क्या. 0.54 माइनस 0.46 cos 2n पाई ओवर ये इज अ प्रॉब्ली m माइनस 1 जी इधर m माइनस 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 40. और इस इक्वेशन के साथ एक एक चीज हमें और जरूर लिखनी चाहिए, वो ये मैम ये चीज कैसे आई है, ये कैसे आई है, ये हैमिंग विंडो की इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल होती है या किसी भी विंडो की, ये मतलब इसी ओके अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. हाँ जी ओके इस शायद तक क्लियर नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ना दोबारा से लिख देती हूँ. ये जो है ना ये वाली सारी इक्वेशन This is for H D N. ठीक है, और जो ये चीज है ये सारी है W N. ठीक है, एंड these two are getting multiplied to give our desired response. और इनका जो प्रोडक्ट है ये सैंपल्स बेसिकली हमें देगा या वैलिड होगा 0 से लेके 40 तक, 41 सैंपल्स होंगे एंड इट वुड बी 0 अदरवाइज. ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हाँ बस अवेलेबल या नोन होती है. यहाँ पे 40 इस तरह से आया कि मतलब इक्वेशन में ना अगर आप देखो अच्छा 40 मेरा है ना सारी इसके ऊपर होता है. हाँ जी
इसके मतलब आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट का हिस्सा है, तो m माइनस वन चूंकि होता है यहाँ पे लिखा, तो मैंने मतलब यहाँ पे इसलिए 40 लिखा है। ओके अगर कोई आपने इससे सवाल पूछना तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। कोई सवाल नहीं? ओके ओके एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोगों ने हमें स्टेटमेंट में ये है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स ऑफ थ्री टैब हैमिंग विंडो, ठीक है, सच दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लो पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 800 हर्ट्ज and working on a sampling. मैम एक चीज बस पूछनी थी मैम, उसको फिर आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अच्छा हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि बिकॉज ये देखो ना मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, अब ये 40 सैंपल्स या 41 इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा होते हैं, अब आपको 41 दोनों के कंप्यूट करने पड़ेंगे तो कैलकुलेटर से तो पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा जी, तो इसलिए मैंने नहीं किया ना और मैंने आपसे कहा भी नहीं करने को। ये लैब पे टेस्ट आया तो इधर तक ही होगा, इधर हाँ जी इधर तक ही होगा, ऐसा ही है। लेकिन जैसे अगर देखो ना इस सवाल में अगर आप देखो ना, तो इस सवाल की स्टेटमेंट शुरू ऐसे हो रही है कि डिजाइन थ्री टैप फिल्टर, तो इसमें हो इसमें डूएबल है। मतलब मेरा अपना ख्याल ये है कि मतलब 10 से कम कम हो तो फिर भी डूएबल होता है, एटलीस्ट कुछ तो हम निकाल ही सकते हैं डिपेंडिंग अमाउंट हमारे पास टाइम कितना है। मतलब थ्री टैप फिल्टर हो, फाइव टैप फिल्टर हो, वो तो चलो बिल्कुल ही आसान है निकालना, क्योंकि आप देखो ना कि इसमें सिमेट्री भी तो आएगी ना, तो सिमेट्री का मतलब ये है कि हमें कम से कम आधे ही निकालने हैं, ठीक है। ओके अब मैं एक दफा दोबारा से स्टेटमेंट बता दूं कि व्हेन यू डिजाइन अ थ्री टैप हैमिंग विंडो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लो पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज एंड द सिस्टम इज ओवरऑल वर्किंग ऑन अ सैम्पलिंग रेट ऑफ 8000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप था कि जिसमें हम लोगों ने विंडो को डिसाइड करना होता है, दैट इज ऑलरेडी डन, और हमें विंडो गिवन है। फिर हमें दूसरा स्टेप होता है कि हमने विंडो को जब चूज कर लेते हैं, फिर हमने और जो क्राइटेरियाज होते हैं उसको देखते हुए विंडो की लेंथ डिसाइड करनी होती है, दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी डन। तो अब हम आएंगे फिल्टर की डिजाइनिंग के ऊपर, अगले काम के ऊपर, वो थोड़ा सा आसान काम है। मतलब अच्छा डिजायर्ड फिल्टर का रिस्पांस, जैसे हम लोगों ने एच डी एन की क्वेश्चन लिखनी है, उसमें अब जो काम करने वाला है वो जो ओमेगा सी है ना वो वाला काम है। ओमेगा सी इसकी कैसे फाइंड करेंगे? मतलब इससे पहले वाले सवाल में ना हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और पास बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस और ओमेगा पी थे, जिसको देखते हुए हमने ओमेगा सी निकाला था। यहाँ पे हमें ओमेगा सी डायरेक्टली एनालॉग टर्म्स में गिवन है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स। मैम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके एक काम और करना पड़ेगा, ओमेगा एस आ जाएगा और डब्ल्यू सी आ जाएगा। ओके हमारे पास इस वक्त ना ओके मैं अगर बहुत डिटेल से इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ओके 800 हर्ट्ज मुझे गिवन है और ये मेरे पास है 2 पाई इंटू 800, ये वाला जो है ना ओमेगा सी में बस आ गया। आपको इसका मतलब इस सिंबल से हम जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं उनका डिफरेंस तो पता है ना, आपने इसको पढ़ा हुआ होगा ज़रूर। मैम ये कंटिन्यूस के लिए है, कंटिन्यूस के लिए और डिस्क्रीट के लिए, जहाँ पर कंटिन्यूस जो है ना फ्रीक्वेंसी वो अवेलेबल है, डिस्क्रीट पे कैसे जाएंगे? मतलब स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है, थोड़ा सा अगर आप देखो क्या रिलेशन है दोनों फ्रीक्वेंसीज का, कुछ याद है?
मैम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम इस इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को रिलेट कर सकते हैं बेसिकली इस तरह से, ठीक है, या फिर इस तरह से, अब इसको एफ एस करके कहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा है, दैट इज 2 पाई 800, डिवाइड करेंगे इसको 8000 से, ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस ओके, तो यहाँ पर समय का सी आ गया, ठीक है, ओके। तो एच डी एन जो है ना उसका, उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी देती हूँ, साइन 0.2 पाई एन डिवाइडेड बाय पाई एन, ठीक है, ये एच डी एन आ गया। लो पास फिल्टर है तो हम वही अपना रूटीन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूँ फाइनल अपने फिल्टर की, फाइनल रिस्पॉन्स एज ऑफ एन हमें चाहिए, तो एज ऑफ एन वुड बी गिवन एज पाई एन माइनस 1। इसके साथ 0.2 पाई मतलब 0.2 मल्टीप्लाई नहीं होगा? मैंने इसको ना डायरेक्टली लिखा है। अगर आप देखो तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप जो चीज कह रहे हो ठीक कह रहे हो, इसको लिखने के इसमें दो तरीके होते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, पता लग रहा है देख के? यस मैम, ये ओमेगा सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है ताकि हम मतलब सिंग की एक प्रॉपर शक्ल जो होती है उसको बना सकें। तो यहाँ पे मैंने ये वाली जो फॉर्म है ना, पहली वाली फॉर्म, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास अभी तक जो मैंने लिखा है इक्वेशन में, दिस इज एच डी एन, और आगे मेरे पास जो है ना वो हैमिंग विंडो की इक्वेशन लिखी जाएगी। गेयर को मैं डिटेल से इसलिए लिख रही हूँ कि हमने फिर आगे मैंने कोफिशिएंट्स भी लिखने हैं तो वो फिर आपको पता होगा कैसे लिखे गए हैं। और यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा 2 बिकॉज ऑफ एम माइनस बी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए फिल्टर के कोफिशिएंट्स कंप्यूट किए तो एच ऑफ जीरो, हम इसको अलग अलग इसीलिए लिखूंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा कोफिशिएंट किसको मल्टीप्लाई करने से आया है। ये मेरे पास डिजायर्ड फिल्टर का रिस्पांस है, ये मेरे पास हैमिंग विंडो का फंक्शन है, ठीक है, की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आ गया, एच ऑफ 1 आया 0.2 × 1 = 0.2। एच ऑफ 2 किसके बराबर होगा? अगर आप कैलकुलेट वेरीफाई आप जरूर करो, लेकिन अगर आपके अभी तक ये कैलकुलेशंस दुरुस्त हैं वैसे तो है, ये चेक भी हो सकता है कि एच ऑफ 0 के बराबर ही आएगा, सिमेट्रिक होना चाहिए ना इसको, हमारे फिल्टर को। ठीक है, ये तो है आसान सवाल था, इसमें कोई मुश्किल ही होनी चाहिए। एक मैं अब लास्ट सवाल कराना चाहूंगी क्योंकि ताकि बैंड पास फिल्टर भी कवर हो जाए और विंडो इसमें कुछ हाँ डिफरेंट है, ओके। अच्छा जी, लास्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स में ये है कि हम लोगों ने एक बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना है और उसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि एफ सी 1 is equal to 200 hertz और FC2 is equal to 800 hertz, ठीक है, ट्रांजिशन बैंड। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि इन तीनों का अलग अलग मतलब क्या है। ट्रांजिशन बैंड इज गिवन एज 100 hertz, स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन, स्टॉप
बैंड अटेन्युएशन की रिक्वायरमेंट है कि इस इट मस्ट बी ग्रेटर देन 50 dB, ठीक है, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है 2000 Hz. अच्छा जी, बैंड पास फिल्टर हम लोगों ने डिज़ाइन करना है सच दैट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये हो, ट्रांजिशन बैंड विड्थ हमारे पास 100 Hz हो, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन मस्ट बी ग्रेटर देन 50 dB और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 2000 Hz. अच्छा, अब पहले जरा हम ना ये वाली चीजें समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं. अच्छा, हम चूंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को तो 1 या 0 dB कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, ओके, इन टर्म्स इसको 0 dB कहना बेहतर है. तो जब सिग्नल पहली बार -3 dB पे पहुंचेगा उसको हम FC1 कहते हैं, ठीक है, और जब आखिरी बार पहुंचेगा -3 dB पे उसको हम FC2 बोलते हैं. ठीक है, बल्कि ओके, इसको हम FC2 नहीं बोलते, FC2 तो मेरा ख्याल है इसका दरमियान का होता है. नहीं, लेट मी मेक अ करेक्शन हियर. ये तो ओमेगा P1 होना चाहिए. अच्छा, मैं इसको एफ की टर्म्स बता रही हूँ, इट शुड बी पास बैंड फ्रीक्वेंसी 1 और पास बैंड फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है, और इसी तरह से जो ये विंडो का बता रही है. नहीं, मैं विंडो का नहीं बता रही, मैं ये जो FC1 और FC2 और ट्रांजिशन बैंड है ना, इनको बता रही हूँ, और इनको एक्चुअली मैं विंडोज वाली जो टर्म्स हैं उसी वो टर्म्स ही यूज करते हुए बताना चाह रही हूँ. ये जो 3 dB वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो पास बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो ये चूंकि यहाँ पास बैंड पास में 2 होती हैं तो इसलिए मैंने FP1 और FP2 लिखा है. और इसी तरह से ये जो हमारे पास एक खास एम्पलीट्यूड पे जब फ्रीक्वेंसी पहली दफा पहुंचेगी, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी जिस पे एम्पलीट्यूड डेल्टा होगा, तो वी वुड कॉल इट FS1, और इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट वुड बी FS2, और इनके दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाली और यहाँ पे इस तरह से ये, दैट वुड बी FC1 एंड दैट वुड बी FC2. अच्छा, और ट्रांजिशन बैंडविड्थ क्या होगा? अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर इट शुड बी इक्वल टू FP1 माइनस FS1, और यहाँ पे चूंकि FS2 इज ग्रेटर तो FS2 माइनस FP2 होगा. लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो यही कि ट्रांजिशन बैंड जो होगा ना वो दोनों रोल ऑफ के लिए, यानी कि एक दफा जब सिग्नल लोअर फ्रीक्वेंसी से हाई की तरफ जा रहा है और यहाँ पे मतलब हाई एम्पलीट्यूड से लो की तरफ आ रहा है, तो ट्रांजिशन बैंडविड्थ दोनों तरफ हमें एक जैसा मिलेगा. ठीक है, तो FP1 वो फ्रीक्वेंसीज हो गई जहां पे सिग्नल 3 dB एम्पलीट्यूड के साथ अपीयर होता है. एक्चुअली इसको -3 dB बोलना चाहिए, लेकिन टेक्निकली हम इसको 3 dB भी बोल देते हैं. तो 3 dB वाले जो एम्पलीट्यूड है इस पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको FP1 और FP2 कहेंगे रिस्पेक्टिवली. सिग्नल का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जब पहली बार एक खास एम्पलीट्यूड डेल्टा तक पहुंचेगा तो उसको हम FS1 कहते हैं, और जब डिके होते हुए दूसरी दफा पहुंचेगा इस एम्पलीट्यूड डेल्टा तक तो उसको हम FS2 कहते हैं. ठीक है, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, और FP2 FS2 के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी है उसको FS2 यानी कि सेकंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और FS1 और FP1 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है उसको FC1 कहेंगे. ठीक है, इस कहानी की थोड़ी सी समझ आई है? यस मैम. ओके, अब यहां से फिर हम आगे चलते हैं अब फिल्टर डिजाइनिंग के तरफ. हमें जो अटेन्युएशन गिवन है उसके मुताबिक जो हमारी विंडो सेलेक्ट होनी चाहिए दैट इज
ब्लैकमैन विंडो, ठीक है, और उसको हम डिफाइन करते हैं, उसकी जो इक्वेशन होती है ठीक हो गया। आप मैं इसको कॉपी करना है आप करो, आप नहीं करना चाहते नहीं करो, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बुक में भी अवेलेबल है और इंटरनेट भी आपको हर जगह बड़े आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद विंडो लेंथ मतलब एम क्या होना चाहिए। हाँ जी, एम कैसे फाइंड करेंगे, कुछ आइडिया है? ब्लैकमैन विंडो की जो मेन लो विड्थ है ना, दैट इज गिवन एज 12 बाय एम। किस चीज से इक्वेट करना है इसको? गिवन है ट्रांजिशन बैंडविड्थ। ट्रांजिशन बैंडविड्थ, ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो है ना हमारी, वो बेसिकली होनी चाहिए ओमेगा एस, मतलब 100 हर्ट्ज है ना बेसिकली, ठीक है। ठीक है, लेकिन 100 हर्ट्ज है वो हमें एनालॉग की टर्म्स में अवेलेबल है, उसको हमने कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी में एक्चुअली। तो कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 8000। 8000 गिवन है कि 2000 गिवन है? 2000 जी, ठीक है, समझ आई इस बात की? तो ये हमारे पास हो गया 0.15। तो हमें ओमेगा एस और ओमेगा बी के अलग अलग वैल्यूज नहीं पता, हमें ट्रांजिशन बैंडविड्थ 100 हर्ट्ज की बना है, तो उस 100 हर्ट्ज को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके हमने 2000 से डिवाइड किया, तो हमें ट्रांजिशन बैंडविड्थ मतलब डेल्टा ओमेगा आप कैसे कह लो वो मिल गया, तो विच इज इक्वल टू 0.15। और यहाँ से एम हमें कैलकुलेट होकर मिलेगा 120, लेकिन द एम वी आर गोइंग टू यूज इज 121। और एक और फिर इससे इम्पोर्टेंट बात ये कि बैंड पास फिल्टर है, तो अब इसमें डिजायर्ड फिल्टर का रिस्पांस कैसा होगा, इम्पल्स रिस्पांस मैं लिख देती हूँ। एच डिजायर्ड बैंड पास फिल्टर इज डिफाइंड एज 1/πn साइन ओमेगा। हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा ओके, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस फॉर्मूला और फिर इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, ये बैंड पास फिल्टर का फॉर्मूला है। टेक्निकली वी आर डन विद दिस एग्जांपल, अगर आप देखो तो मतलब एम हमने निकाल ली और ओमेगा C1 ओमेगा C2 कैन बी कैलकुलेटेड, वहाँ पर FC1 और FC2 है, तो इस फंक्शन को बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा एन के साथ, ओमेगा एन की इक्वेशन मैंने शुरू में लिखी थी। अगेन मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, लेकिन अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो प्लीज यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेलकम टू अस, ठीक है? ठीक है मैम, ये मैम आप रिकॉर्डिंग कर लें, हम फिर बाद में देख लेंगे। हाँ, ये रिकॉर्डेड है सेशन, मैंने सेशन को रिकॉर्ड कर लिया था। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, आप अपनी क्लास में जाओ। Love this. Love this.